हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीत एफएम में। आप सुन रहे हैं माय साइकोपैथ हस्बैंड। वही श्रीकांत ना समझी से सब कुछ चार्विक को देख रही थी। उसके चवी गालों पर अभी भी आंसू के कुछ बूंद थे, जिसे देख चार्विक अपने होठ अश्रिका के आंसू के बूंद पर रख देता है। उसके गालों को सॉफ्टली सक करते हुए उसके आंसू को पी जाता है, जिस वजह से अश्रिका के गाल हल्के गुलाबी से लाल हो जाते हैं और वो अपनी चिक्स को पकड़ते हुए कहती है, यू बाइट मी डोडो। इतना बोल अश्रिका सब सुबकते हुए नासमझी से चार्विक को देख रही थी। डोंट क्राई डॉल, इतना कहकर चार्विक बेदर्दी ढंग से उस टेडी बियर को सोफे पर फेंक अश्रिका को अपनी गोद में ही लिए बेड की ओर बढ़ जाता है। बेड के सामने के डोर से ड्रोल को खोल उसमें से एक चॉकलेट निकालता है। वहीं अश्रिका चार्विक की हाथों में चॉकलेट को देख रोना भूल कर खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो चार्विक की तरफ देखते हुए कहती है, अरे मेरा लाया वो चॉकलेट कहाँ गया? मुझे तुम्हें देना था, तुम्हारा बर्थडे है ना? चार्विक उसकी बात को सुन रहा था। चार्विक अश्रिका को चॉकलेट ना दे अपने कदम सोफे की ओर बढ़ा सोफे देता है और उसको ले जाकर सोफे पे बैठा जाता है। इस वक्त चार्विक सिर्फ अपने टॉवल में था। वहीं जहां चार्विक को गंदगी से प्रॉब्लम थी, लेकिन अश्रिका के यूँ बाहर से सूच पहन के आना और उसको अपनी गोद में लेने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो अश्रिका को अपनी थाई पे अच्छे से बैठा उसके फेस को अपनी तरफ करता है, अपने सर को टेढ़ा कर इमोशनलेस चेहरे के साथ उसके फेस को इंटेंसली देख अपने हाथ उसके चवी गालों पर रख अपने अंगूठों से रब करते हुए सहलाता हुआ निहारता है। वहीं अश्रिका अपने गीली आंखों से चार्विक को पाउट बना उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। तभी चार्विक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें एक बात को हमेशा याद रखना है कि तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन सिर्फ मैं हूँ और मेरे सिवा कोई और नहीं। तुम्हारे इन होठों पे सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए और हाँ, इस बात को कभी मत भूलना। चार्विक की बातें सुनकर अश्रिका अपनी मुंडी क्यूटली ऊपर नीचे करती है, लेकिन अपने शिकायती वाले टोन में पाउट बनाकर कहती है, लेकिन डोडो तुम मुझे हमेशा डरा देते हो और तुमने मुझे डांटा और तुमने टेडी बियर को भी फेंक दिया, उसे मॉम ने मेरे लिए लाया था। अश्रिका की बात सुनकर चार्विक के हाथ अश्रिका के गालों को सहलाते हुए रुक जाते हैं। सॉरी डॉल, इतना कह उसके चवी गालों को किस कर लेता है। वहीं अश्रिका की नजरें तो कब से चार्विक के हाथों पे उस चॉकलेट पे थी, जिसे चार्विक भी नोटिस कर चुका था। अश्रिका पाउट बनाते हुए कहती है, डोडो मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ। ये कहते हुए भी उसकी नज़र चॉकलेट पर ही थी, जिसे देखकर चार्विक के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो उसके नोच को पिंच करते हुए कहता है, अच्छा तो अब मुझे अपने डॉल को मनाने के लिए क्या करना होगा जिससे मेरी डॉल मुझसे गुस्सा ना हो। चार्विक की बात सुनकर शिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह थोड़ा नीचे झुककर चार्विक के हाथों से अपनी फेवरेट चॉकलेट झपटते हुए कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अब ये चॉकलेट मेरी हुई। इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगती है और फिर वह उस चॉकलेट के रैपर को फाड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे रैपर ना फटता देख चार्विक उसके हाथों से चॉकलेट लेकर उस रैपर को फाड़ कर चॉकलेट निकाल उसे तोड़कर एक एक पीस अश्रिका को खिलाने लगता है। अश्रिका भी चार्विक के हाथों से चॉकलेट इंजॉय करते हुए खा रही थी। फिर जब चार्विक उसका पूरा चॉकलेट खिला देता है, तभी अश्रिका को कुछ याद आता है और फिर वो कहती है, ओहो डोडो चॉकलेट तो खत्म हो गई, अब तुम क्या खाओगे? तुम्हारा तो आज बर्थडे है ना, उसके बाद भी चॉकलेट तुम्हें नहीं मिली? अश्रिका ने तो सब खा लिया। अश्रिका अपने होठों की पाउट बनाकर चार्विक से कहती है। इस वक्त उसके होठों के आसपास अभी चॉकलेट लगे थे, जिस वजह से उसके होठ जूसी और ग्लॉसी नज़र आ रहे थे, जिसे वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वहीं चार्विक की नज़र तो अश्रिका के ग्लॉसी छोटे होठ पर टिकी हुई थी। फिर वो अपने अंगूठे से उसके होठ के आसपास के चॉकलेट पोच अपने अंगूठे को अपने होठों के बीच रख अंगूठे को लीक करते हुए कहता है, इट्स ओके डॉल, मैंने टेस्ट कर लिया। इतना बोल वो अश्रिका के लिप्स पे लाइट किस कर देता है।
वही अश्रिका अपने लिप्स को अपने छोटे छोटे हाथों से ढक लेती है और कहती है, ओ डोडो तुमने मुझे किस क्यों किया, मॉम को पता चला तो डांटेगी, उन्होंने बोला है अश्रिका बड़ी हो रही है, अब उसे खुद को किस नहीं करने देना चाहिए किसी को भी बस मम्मा को छोड़कर। अश्रिका की बात सुनकर चार्विक ठंडे भाव से कहता है, मॉम ने बिल्कुल सही कहा है, अब तुम किसी को भी किस नहीं करोगी सिर्फ मुझे छोड़कर, क्योंकि तुम मेरी हो, तुम्हें किस करने का हक सिर्फ मेरा है। इतना कह चार्विक अश्रिका के गालों को अपने हाथों से सहला कर उसे सोफे पर बैठाते हुए कहता है, डॉल तुम यहीं पे खेलो, मैं कपड़े चेंज करके आया। इतना बोल वह उस सोफे पर अच्छे से बैठा देता है और अपने कदम क्लोजेट रूम की ओर बढ़ा देता है। इस वक्त चार्विक के चेहरे पर अजीब से भाव थे जिसे समझना नामुमकिन था। कुछ देर बाद क्लोजेट रूम का डोर ओपन होता है। चार्विक व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक डेनिम जीन्स पहने हुए क्लोजेट रूम से बाहर आता है। उसकी नज़र सीधे सोफे पर जाती है जहां अश्रिका अभी भी अपने टेडी बियर के साथ खेल रही थी। चार्विक की नज़रें एक बार फिर से उस टेडी बियर पर चली जाती है जिसे देख उसके हाथों की मुट्ठी बन जाती है, लेकिन वो अपने इमोशनलेस चेहरे साथ अश्रिका के पास जाकर उसके माथे को चूम लेता है, जिसे महसूस कर अश्रिका चार्विक को देख मुस्कुराते देती है, उसे अपने गोद में ले अपने रूम से बाहर की ओर चल देता है। आज चार्विक का 21वां बर्थडे था, इसलिए सारे लोग आज घर पे ही थे क्योंकि आज शाम को पार्टी थी और पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे, जिसकी तैयारी विवेक जी और विपुल जी मिलकर कर रहे थे, और जाह्नवी जी, अर्चना जी के और दादी माँ, बुआ जी सब मिलकर घर के अंदर की तैयारी देख रहे थे। तब विवेक जी की नज़र भी चार्विक पर जाती है, जिसे देखकर विवेक जी के साथ साथ दादी माँ और दिग्विजय जी भी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी मेन गेट से एक औरत एक लड़की के साथ अंदर आती हुई दिखाई देती है। उस लड़की की उम्र यही 20 साल होगी। उस लड़की ने भी ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था। उस औरत और वह लड़की जैसे ही अंदर आती है, उसकी नज़र सीधे चार्विक पे जाती है, और जब वह औरत चार्विक के गोद में एक छोटी सी बच्ची को देखती है तो उसके मुंह बन जाते हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। वहीं जैसे ही माधवी जी किचन से बाहर आती है तो उसकी नज़र भी उस औरत पे चली जाती है, और वो जैसे ही उस औरत को देखती है उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वो आगे बढ़कर उस औरत को गले लगा लेती है और कहती है, माँ आप आ गई। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि चार्विक की नानी माँ पुष्पा जी थी। वही जब माधवी जी की नज़र उस लड़की पे पड़ती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ ये कौन है। पुष्पा जी माधवी जी की सवाल सुनकर उस लड़की की तरफ मुड़ती है और कहती है, अरे ये मेनिका की बेटी है मोहिनी, ये अब मेरे साथ ही रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आऊँ, इसको घूमने भी हो जाएगा और यह तुम लोगों से भी मिल लेगी। वही मोहिनी का सारा ध्यान तो चार्विक और इस आलिशान घर को देखने में ही होता है। तभी पुष्पा जी उसके पास जाकर धीरे से कहती है, ये सब देखना बंद करो, क्योंकि ये कुछ दिनों बाद ये सब तुम्हारा ही होने वाला है, इसलिए अभी एक अच्छे संस्कारी लड़की के लिए की तरह सबको नमस्ते करो। मोहिनी पुष्पा जी की बात सुनकर सबसे पहले माधवी जी के पास जाती है और झुककर अब उनके पैरों को छू लेती है। ऐसे ही एक एक करके वह सब के पैरों को छू लेती है। उसका यह बिहेवियर सबको बहुत अच्छा लगता है। और फिर पुष्पा जी चार्विक के पास जाकर कहती है, अरे वाह मेरा पोता तो बहुत बड़ा हो गया है, चलो मुझे जरा देखने तो दो तुम कैसे हो। वो चार्विक को छू पाती उससे पहले ही वह कुछ कदम पीछे हट जाता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, आपको मुझे देखने के लिए मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उन्हें बिना नमस्ते किए वहाँ से चला जाता है। उसका यह रूड टोन पुष्पा जी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, और वही माधवी जी की बात को संभालते हुए कहती है, सॉरी माँ, लेकिन आपको पता है ना वो ऐसा ही है, वो 8 साल की उम्र से ही किसी को खुद को छूने नहीं देता है। पुष्पा जी माधवी जी की बात सुनकर उन्हें घूरने लगती है और कहती है, अगर बात यही है तो उसके गोद में वो लड़की क्या कर रही थी, अब ये वो लड़की उसकी बेटी है। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं, वो तो अश्रिका है, जाह्नवी की बेटी, वो उसे बहुत प्यार करती है, माधवी जी जबरदस्ती ही मुस्कान लाते हुए कहती है। पुष्पा जी जैसे ही उनकी बात सुनती है वो एकदम हैरान हो जाती है और कहती है,
लेकिन मैं 3 साल पहले आई थी तो ये लड़की मुझे तो दिखाई नहीं दी थी, और लड़की को देखकर तो लग रहा है कि 6-7 साल की तो होगी। ये तुम ये मत बोलना कि उस लड़की को जानवी ने छुपा कर पैदा किया है, क्योंकि मुझे पता है ये तो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकती। पुष्पा जी की बात सुनकर जानवी जी को बहुत बुरा लगता है और दादी माँ को भी उसकी इन बातों बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो थोड़ा तेज़ आवाज से कहती है, यहाँ पे आप चार्वी के बर्थडे के लिए आई हैं तो बर्थडे एंजॉय कीजिए, जाइए मेरे घर के निजी मामलों पर आपको बोलने का कोई हक नहीं है। पुष्पा जी दादी माँ की बात सुनकर ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगती है और कहती है, अरे समधन जी, आप तो मेरी बातों का बुरा मान गई, मैं तो बस जानना चाह रही थी कि जानवी ने अपने इतने खूबसूरत बेटी को छुपा कर कहाँ रखा था। माधवी जी को जब लगता है कि बात अब बिगड़ जाएगी, इसलिए वो अपनी माँ का हाथ पकड़ कर रूम तरफ लेने जाती है और बोलती है, आप दूर से आएंगे, चलकर आराम कर दीजिए। पुष्पा जी जैसे ही रूम में जाती है, वो माधवी जी के हाथों से खुद को छुड़ा लेती है और कहती है, अब तुम बताओगी तो ये लड़की कौन है और तुम्हें इस लड़की को चार्वी के करीब जाने भी कैसे दिया। माधवी जी पुष्पा जी से कहती है, उसका नाम अशिका है, जानवी ने इसे 3 साल पहले अनाथ आश्रम से घर लाया था। पुष्पा जी उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है और कहती है, उसने ये सब जानबूझकर किया होगा ताकि वह इस प्रॉपर्टी का हिस्सा लगा सके, और देखो कैसे उस भिखारी लड़की का यूज़ करके चार्वी के करीब जाने की कोशिश कर रही है। मैं कह रही हूँ इतनी जल्दी हो सके उस लड़की को चार्विक से दूर करो, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ इन गरीबों को पैसों के लिए कैसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। माधवी जी अपनी माँ की बात सुनकर कहती है, माँ आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं, वो छोटी बच्ची है, कम से कम उसके बारे में तो ऐसा मत बोलिए। पुष्पा जी माधवी जी पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने और मुझे अच्छे से पता है कौन कैसा होता है। ये गरीब अपनी बेटियों को ना बचपन से ही ट्रेंड करते हैं अमीर लोगों को अपनी जाल में फंसाने का। वैसे ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मोहिनी कैसी लगी। माधवी जी उसकी बात सुनकर कहती है, मोहिनी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, वैसे आप ये क्यों पूछ रही हैं। पुष्पा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, चलो अच्छी बात है वह तुम्हें अच्छी लगी, वैसे मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसकी शादी चार्विक से करवाने की। माधवी जी जैसे ही उसकी बातें को सुनती है, वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, माँ आप ये क्या कह रही हैं, आपको पता भी है रिश्ते में वह उसकी बहन लगेगी, और ये सब छोड़ भी दो तो भी चार्विक अभी उम्र नहीं है शादी करने की, और ना ही वो करेगा। पुष्पा जी माधवी जी का हाथ पकड़ के वापस अपने पास बिठाते हुए कहती है, मैंने कब कहा कि अभी शादी करनी है, मैं तो बस ये कह रही थी 21 साल का हो गया है उसकी सगाई करवा दो, 26 साल का होगा तो शादी करवा देना, और वैसे भी अब ये जमाने में लोग कितने दूर के रिश्ते नहीं निभाते। माधवी की जी इनकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, लेकिन चार्विक नहीं मानेगा। पुष्पा जी बोली, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व कैसे करना है तुम तय करो, और बात तुम्हारे घर वालों की तो तुमसे बात उनसे बात मैं कर लूँगी। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा, अगर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।